और मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं भैया, देखो नहीं चल रहा है तो भी पढ़ी, क्योंकि एट द एंड बच्चे जो काम आती है ना जीवन में वो पढ़ाई आती है, बाकी सारी चीज़ें तो ऐसा ही है जो चलता रहता है। और देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कभी भी भाई, मतलब कुल मिलाकर ये है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन को ना मतलब बहुत अच्छा मतलब बनाती है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो मेहनत है अभी जिस इस एज में जो आप लोग जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपके, और ज़रूरी है, समझ पा रहे हैं? तो मतलब पढ़ते रहिए, कभी हॉपलेस मत होइए, कभी आपके पास डिस्करेज मत होइए, ठीक है? ना तो इनकरेज होइए ना तो डिस्करेज होइए, है ना? कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई एक्साइटमेंट में जाना है ना तो आपके पास इन एक्साइटमेंट होना है, ठीक है? बस लगन के साथ, एक अच्छे लगन के साथ चीज़ों को पढ़िए। आपको कोई चीज़ें नहीं आती समझ में, कोई बात नहीं, इससे आपके पास सैड होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। ऐसी थिंकिंग से, या जब जब कभी भी आपका मन ऐसी थिंकिंग डेवलप करे ना आपका माइंड, तो समझ लेना कि ये आपके पास यानी कि गलत डायरेक्शन में मुझे लेकर जा रहा है, ठीक है? देखिए इस धरती पे जितनी भी चीज़ें किया है ना बच्चे, ध्यान रखना वो आपके पास सैपियंस थे, समझ पा रहे? तो आप इसी चीज को सोचे कि हर चीज को करने वाला इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता, ठीक है? और आप ही करेंगे इसको, ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको कोई बच्चा आपके पास 3 महीने में सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई बात नहीं, आप 6 महीने लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई बच्चा 1 बार में समझ जाता है, कोई बात नहीं, आप 3 बार में समझ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन ना अगर आपने ये ठान लिया कि हो सकता है मुझे 1 बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार ट्राई करता हूँ, तीसरी बार ट्राई करता हूँ, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आपको समझ आएगा, और जबरदस्त समझ में आएगा, समझ पा रहे? तो घबराना नहीं है, समझ पा रहे? परेशान नहीं होना है, बस ठान लीजिए कि पढ़ना है, कुछ करना है और जबरदस्त करना है, ठीक है? डिग्रेडेड सोसाइटी, आज का जो सोसाइटी कैसे है, डिग्रेडेड सोसाइटी, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द डिग्रेडेड सोसाइटी और डिग्रेडेड ह्यूमैनिटी, बट आई मस्ट बी अ डिफरेंट टू बी अपलिफ्टेड, ठीक है? दैट विल बी, और वो कैसे होगा, जब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ पा रहे? आप पढ़ते रहे मेरे प्यारे बच्चे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लगभग कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ाया। आज बच्चे मैं प्रोटीन के बारे में बात करूंगा, कि देखिए एक्चुअल में जब कभी भी प्रोटीन की बात होती है तो मैंने बच्चे हालांकि ऐसे ये कहा आप लोगों से हमेशा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर आपके पास, अगर हम लोग कभी भी बॉडी को अगर केमिकल के फॉर्म में पढ़ना चाहे तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या, आप लोग को ऑलरेडी मैं सेल चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, तो सेल के अंदर लगभग आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि भाई किस तरीके से आपके पास यानी कि सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। और जब मैं आप लोग को प्लांट के अंदर मिनरल और न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि लगभग बहुत सारे आपके पास यानी कि एलिमेंट्स आए, लेकिन प्लांट्स के अंदर आपके पास कुछ मेजर एलिमेंट्स है, और एनसीईआरटी ने तो साफ आपके पास 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया है कि भैया ये जो है आपके पास यानी कि एलिमेंट्स है जो प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपके पास 17 में से 13 का फंक्शन दे रखा है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम वगैरह के बारे में नहीं लिखा गया है। तो टोटल वहां पर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया प्लांट के केस में। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये सोचिए कि भाई आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, क्या चाहिए एनर्जी, और एनर्जी का सोर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। आप रोज चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन आपके पास। अगर घी वगैरह, बटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको, फैट्स एंड लिपिड्स मिलता है। तो आप एक मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि अगर एक लिविंग सेल को अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो उसको, या अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे अपनी बॉडी को जबरदस्त एक्टिव रखना है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रखना है, तो मुझे क्या चाहिए, बहुत सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स और विटामिन्स, एंड इसके अलावा आपके पास मिनरल्स, ऑल दिस, दैट्स ऑल, इतनी सी चीजें चाहिए होता है। और अगर ये सारी चीजें आपके डाइट में है ना तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगा, और नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये माना जाता है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग, प्रोटीन बिल्ड्स द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है,
और प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं। जितने भी बॉडी बिल्डर, जितने भी जिमनास्टिक, जितने भी आपके पास यानी कि एथलीट्स, दे ऑलवेज ईट द प्रोटीनियस फूड्स। आप अगर जिम जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई प्रोटीन का कोर्स कर लीजिए। मैं भी बेसिकली जब एक बार जिम का शौक चढ़ा मुझे, तो मैं भी चला गया जिम करने के लिए। तो भैया मैंने बोला कि यार मुझे बॉडी बनानी है, बहुत पतला हूँ, तो बताओ भाई क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को आपके पास यानी कि एमिनो ट्रिपल टू का एक वो मतलब आपके पास लिख कर दिया कि एमिनो ट्रिपल टू ले लीजिए, और इसके अलावा कुछ और भी था आपके पास यानी कि ग्लूटामाइन वगैरह, तो वो सब आपके पास यानी कि लिख कर दिया। ठीक है, तो मतलब लेकिन मैंने लिया नहीं, ये सब सारी चीज़ें मुझसे लिख कर दिया गया था कि भाई आप ये सब चीज़ें कंज्यूम करेंगे और इसके अलावा जो डाइट का आपका प्लान है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी जैसे आपके पास बॉडी बिल्डर्स की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, और जितने भी आपके पास ये सारी चीज़ें, अगर आप मान लीजिए कि भाई आप हेल्दी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि बॉडी में थिन हूँ, पतला हूँ, और मुझे आपके पास यानी कि बॉडी को बिल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटीनियस फूड खाइए। आप प्रोटीन वाली आपके पास यानी कि फूड खाइए, और ज्यादातर प्रोटीन मेरे प्यारे बच्चे पल्सेस के अंदर होते हैं, दाल के अंदर होते हैं। दाल खाइए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज्यादातर आपके पास दाल वगैरह खा सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो खूब आपके पास यानी कि एग्स वगैरह खाइए, चिकन्स वगैरह खाइए। मतलब तो आपको लगभग ये सारी चीजें सप्लाई होगा और बॉडी के अंदर अपने आप डिफरेंसेस दिखाई देंगे, बॉडी बिल्ड होती है। तो आज मेरे प्यारे बच्चे हम लोग प्रोटीन का सेक्शन से देखते हैं कि प्रोटीन होता है क्या है। तो प्रोटीन बेसिकली बॉडी को बिल्ड करता है, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड्स आपके पास यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप ये चार एटम याद रखें। मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास यानी कि नाइट्रोजन, ये चार ऐसे एलिमेंट है जो किसी भी एमिनो एसिड को बनाते हैं, समझ पा रहे। और ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम अपने सेल की बात करें तो हमारे सेल के अंदर 170 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर से जो हमारे लिए फंक्शनल है वो 21 टाइप्स ऐसा कहा जाता है। और वैसे भी जेनेटिक्स में वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट आपके पास यानी कि जीन्स कोड्स फॉर द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड हेटरोपॉलीपेप्टाइड्स। याद रखना आपके पास प्रोटीन्स क्या होता है, हेटरोपॉलीमर्स होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर, समझ पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये सारी चीजें लगभग आज के लेक्चर में मिलेगा, तो डोंट वरी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। नाउ सी मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रोटीन की, तो मैंने आपसे ये बोला कि ये जो प्रोटीन्स है, तो ये आपके पास यानी कि प्रोटीन है, तो इसकी जो डेफिनेशन आपके पास यानी कि हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। मेरे प्यारे बच्चे हम बात करें आपके पास यानी कि स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रक्चर्स का मतलब ये, अगर मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर ये आपके पास यानी कि मसल्स है, फ्लैश है, तो हम बोलते हैं ना मसल्स, तो बॉन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, और उस मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। एक्चुअल में ये आपके पास देख रहे हैं लेयर जो होती है आपके पास यानी कि बॉडी के अंदर बॉन्स से जो चिपकी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड मसल्स। और ये मसल्स किससे बने होते, प्रोटीन से बने होते, प्रोटीन्स की लेयर्स होती है, प्रोटीन्स के टिश्यूज होती है, समझ पा रहे। तो मतलब ये स्ट्रक्चर्स, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो चाहे आपके पास यानी कि एनिमल्स हो, तो उन सबको बेसिकली क्या चाहिए होता है आपके पास यानी कि प्रोटीन चाहिए होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई प्लांट को प्रोटीन्स नहीं चाहिए होते, बिल्कुल भी नहीं, प्लांट्स रिक्वायर मोर आपके पास हमारी बॉडी में। तो मेरे प्यारे बच्चे सोचिए ना, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हम बात करते हैं, अगर एनिमल की बात करते हैं तो। अब हमारी बॉडी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपके पास नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल जो हमारी आपके पास बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती, सिंथेसाइज कर लेती, और एसेंशियल जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन प्लांट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस दैट वन। अब सोच कर देखिए, तो प्लांट्स तो आपके पास यानी कि दोनों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों एमिनो एसिड को बना सकता है वो, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन नॉट, वी डू नॉट हैव दैट आपके पास यानी कि मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, वी डू नॉट पॉजेस, समझ पा रहे, हमारी बॉडी में नहीं, हम नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाट वी हैव क्लासिफाइड द प्रोटीन्स इनटू एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, क्योंकि हम बना नहीं सकते, समझ पा रहे। देखिए स्ट्रक्चर्स मतलब एवरी बॉडी के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे पार्ट्स हैं, लगभग सभी के सभी पार्ट्स आपके पास यानी कि स्ट्रक्चर जितने भी है, चाहे आपके पास यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में होता क्या है, बॉन्स, और बॉन्स के बाद मसल्स, मसल के बाद आपके पास यानी कि स्किन की लेयर, और उसके नीचे आपके पास यानी कि फैट्स, ऑल दिस बिहेव
and these are the structures, these are the layer of tissues which is made up of protein. They are made up of 21 types. They are made up of 21 types of naturally occurring amino acids. समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो आपके पास यानी कि जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स आपके पास यानी कि बने होते हैं, मतलब नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं. कितने टाइप्स के? 21 टाइप्स के आपके पास यानी कि अमीनो एसिड्स. और ये अमीनो एसिड्स आपके पास यानी कि नेचर में नेचुरली आपके पास यानी कि अकरेंस, मतलब ये नेचर्स में, प्रकृति में. नेचर का मतलब मेरे प्यारे बच्चे हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी. समझ पा रहे? पहले से आपके पास ये अमीनो एसिड या तो हमारी बॉडी के आपके पास यानी कि सेल्स के अंदर, या तो आपके पास यानी कि नेचर इस प्रकृति के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर है, एग्जिस्ट करता है. एंड वी नीड टू टेक दिस अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्लांट्स. समझ पा रहे? नेचर का मतलब प्लांट, क्योंकि हम बात करें लिविंग की, हम नॉन लिविंग की बात नहीं करें, हम बात करें लिविंग की. और लिविंग क्या है आपके पास? यानी कि बैक्टीरिया से लेकर आपके पास प्लांट्स इंक्लूडिंग द एनिमल. समझ पा रहे? तो जितने भी किंगडम्स हैं, सभी किंगडम्स में इंटायर बायोस्फीयर के अंदर ही आपके पास यानी कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं. आगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये जो हमारे पास अमीनो एसिड्स है, इस अमीनो एसिड्स का आपके पास यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अमीनो एसिड्स. मैंने आपसे बच्चे बोला कि भाई कोई भी जो प्रोटीन होगा इसका एक बेसिक यूनिट है क्या आपके पास, यानी कि बेसिक यूनिट है. और इस बेसिक यूनिट को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि अमीनो एसिड्स. मतलब अगर कोई भी अमीनो एसिड होगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चे कोई भी प्रोटीन होगा तो उसके अंदर चेन होगा किसका, अमीनो एसिड का. किसका चेन होगा? अमीनो एसिड का. अब ये जो अमीनो एसिड है बेसिक यूनिट, तो पहला द बेस अमीनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड. Having, अगर कोई भी एमिनो एसिड है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो उस एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि अल्फा कार्बन. और इसके पास आपके पास यानी कि कार्बोक्सिल आपके पास ग्रुप, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास NH2, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं आपके पास अल्काइल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. तो कोई भी जो एमिनो एसिड होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसका स्ट्रक्चर लगभग ये होता है, मतलब यही होगा एमिनो एसिड. मैंने आपसे बच्चे बोला था कि अमीनो एसिड का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास यानी कि नाइट्रोजन. आर वेरिएबल रहता है, फंक्शन ग्रुप होता है, या तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या आपके पास यानी कि हाइड्रोक्सिल अल्काइल ग्रुप हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है आर के ऊपर. मेरे प्यारे बच्चे, हैविंग एटलीस्ट वन एसिडिक आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप. मेरे प्यारे बच्चे ये आपको समझना है, अगर कोई भी अमीनो एसिड मेरे प्यारे बच्चे अगर एसिडिक है ना, तो किसकी वजह से है? समझ पा रहे? कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से. तो ये जो आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब आपके पास COOH आपके पास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. कोई भी एमिनो एसिड अगर एसिडिक है, तो उसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा होगा. समझ पा रहे? प्रेजेंस ऑफ इसका ज्यादा होगा. अगर ये इंक्रीज कर जाएगा ना, तो इसका मतलब वो एमिनो एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर. क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर. तो मतलब कोई भी अगर एमिनो एसिड है, तो एक आपके पास ये एसिडिक ग्रुप, ये क्या आपके पास एसिडिक ग्रुप, तो ये एसिडिक ग्रुप रहेगा. और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपके पास उसके अंदर एक जो होता है वो आपके पास यानी कि बेसिक आपके पास यानी कि अमीन आपके पास यानी कि NH2 आपके पास यानी कि ग्रुप रहता है, ये बेसिक इन नेचर होता है. तो अमीन जो होता है ये बेसिक इन आपके पास नेचर होता है, और आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो किसी भी अमीनो एसिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर किसके अंदर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का मतलब क्या है, किसके बेसिस पर कहते हैं हम लोग? एसिडिक हम तब कहते हैं जब उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज्यादा होगा, मतलब एक से ज्यादा COOH, मतलब मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे जब इसका नंबर आपके पास यानी कि ज्यादा होगा, इसमें एक लगा हो सकता है इसकी जगह आपके पास यानी कि दो लगाओ, चार लगाओ, दस लगाओ, तो इस तरीके से. इसी तरीके से बच्चे जब हम लोग NH2 मतलब जब बेसिक की बात करेंगे तो NH2 ज्यादा होगा, और न्यूट्रल में आपके पास यानी कि दोनों का नंबर क्या रहेगा आपके पास यानी कि सेम रहेगा. तो इसके बेसिस पर अमीनो एसिड या तो एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है. आगे देखते हैं, ये क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक की ले, और आपके पास एमिन ग्रुप आपके पास यानी कि एमिन, दिस वन इज कॉल्ड एमिन. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि एमिन. ये बेसिक इन नेचर होता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे.
आप आगे देखते हैं हम लोग कि भाई ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ पे समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपके पास, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला सही है हमारे पास, यानी कि ये है आर आपके पास, यानी कि अल्काइल ग्रुप आर चेंज हो सकता है, आर आपके पास यानी कि क्या हो सकता है, कोई भी एमिनो एसिड होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो उसका स्ट्रक्चर सी है, उसके अंदर एक आपके पास यानी कि अमीन ग्रुप होगा, क्या होगा आपके पास यानी कि अमीन, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ये समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी अगर एसिडिक होगा तो एसिडिक किसकी वजह से होगा आपके पास, यानी कि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर किसकी वजह से होगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, और बेसिक इन नेचर किसकी वजह से होगा, NH2 की वजह से, किसकी वजह से, NH2 की वजह से, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि पूछ सकते हैं कि भाई बीच आपके पास यानी कि किसको चेंज करने की वजह से कोई भी अमीनो एसिड एसिडिक हो सकता है और किसको चेंज करने से बेसिक हो सकता है, इतना थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। अच्छा दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कि मैंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब आर आपके पास यानी कि डिपेंड करता है, हो सकता है कि ये एच हो सकता है आपके पास यानी कि ये सी एच आपके पास यानी कि थ्री हो सकता है आपके पास मेरे प्यारे बच्चे सी एच टू आपके पास सी डबल ओ एच हो, ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है सी एच टू आपके पास मेरे प्यारे बच्चे एन एच टू हो, तो मतलब ये आपके पास यानी कि वेरिएबल है, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये भी हो सकता है, ध्यान रखना आपके पास ये भी हो सकता है, तो मतलब ये आर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, या तो आपके पास हाइड्रोजन होगा, या आपके पास यानी कि मिथाइल होगा, या आपके पास यहाँ पर आपके पास सिडाइल हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड होगा, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, आर वेरिएबल है, आर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, और यही डिसाइड करेगा आपके पास यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर। जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं आपके पास कि भाई जो एमिनो एसिड होता है आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपके पास यानी कि सब्स्टिट्यूटेड मिथेन, सही बात है कि भाई आपके पास अगर ये जो सी एच फोर होता है तो आप ये नोटिस करेंगे तो एक्चुअल में क्या था कि ये सी एच फोर ही तो है, हम लोगों ने क्या किया ये जो हमारे पास यानी कि सी एच फोर है यहाँ पर आपके पास यानी कि सी एच एच और आपके पास यानी कि एच और एच, इसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ आपके पास यानी कि सी ओ एच के साथ, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ आपके पास यानी कि एन एच टू के साथ, और इस एच को किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया आर के साथ, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल गया आपके पास, एज ए रिजल्ट हमें आपके पास यानी कि सी डबल ओ एच है ना मेरे प्यारे बच्चे, यही तो मिला, और आपके पास यानी कि एन एच टू यही मिला, देखो। तो इसीलिए कभी कभी मेरे प्यारे बच्चे ये कहा जाता है कि जो एमिनो एसिड होता है वो सब्स्टिट्यूटेड मिथेन होता है, क्यों, क्योंकि भाई मिथेन के पास आपके पास चार हाइड्रोजन होते हैं और इस चार हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ, अमीन आपके पास यानी कि बेसिक ग्रुप, और आपके पास एसिडिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और आर आपके पास यानी कि फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है आपके पास यानी कि अमीनो एसिड, और यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे डेट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इस कार्बन को क्या बोला जाता है अल्फा कार्बन, याद रखेंगे इस तरीके से याद रखना है, ठीक है आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना है आपको, और एक चीज और समझना बच्चे कि भाई जैसे कि मैंने लिखा है कि दीज आर आपके पास कलरलेस, तो कभी भी कोई भी जो एमिनो एसिड होगा वो क्या रहेगा आपके पास यानी कि कलरलेस, इसमें कोई आपके पास यानी कि कलर नहीं होता, मतलब कोई भी जो एमिनो एसिड होगा मेरे प्यारे बच्चे तो इसमें आपके पास यानी कि दे आर कलरलेस, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टल्स में होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये घुल जाता है, एमिनो एसिड पानी के अंदर आपके पास यानी कि घुल जाता है, लेकिन अमीनो एसिड जो होता है इनसॉल्यूबल इनऑर्गेनिक आपके पास यानी कि सॉल्वेंट, अगर ग्लूकोज वगैरह में घुलने की कोशिश करेंगे आपके पास फ्रुक्टोज वगैरह में सुक्रोज वगैरह में तो उसमें नहीं घुलेगा, समझ पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है बच्चे कि भाई ये जो आपके पास यानी कि अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास यानी कि सॉल्यूबल, पानी में तो घुल जाएगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, अगर आप यानी कि इथाइल वगैरह लेंगे मिथाइल वगैरह लेंगे या ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह लेंगे तो उसमें ये सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिमेंबर, विल सी द नेक्स्ट स्लाइड्स, और आगे बच्चे जब हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं आपके पास यानी कि भी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है इसकी, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टीज है, तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है आपके पास यानी कि ये वाला, जैसे डिपेंडिंग ऑन द आर आपके पास यानी कि ग्रुप, सही बात है कि भाई आर ग्रुप के बेसिस पर जब हम लोग आर की बात करते हैं तो आर ग्रुप के बेसिस पर मैंने आपसे बोला कि जो एमिनो एसिड है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा और न्यूट्रल होगा, तो एमिनो एसिड जो होगा या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, लेकिन किसके बेसिस पर, द नेचर ऑफ आर ग्रुप,
द नेचर ऑफ आर ग्रुप, समझ पा रहे हैं? तो वो किसके बेसिस पर होगा आपके पास आर ग्रुप? क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड बनने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, अमीनो ग्रुप तो होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी को बताएगा और NH2 आपके पास यानी कि बेसिक नेचर को बताएगा। तो किसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि अमीनो एसिड बच कौन गया? आर इज ए वेरिएबल ग्रुप, आर इज ए वेरिएबल ग्रुप, आर इज ए चेंजेबल ग्रुप, चेंज हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं, समझ पा रहे? तो दिस इज व्हाट। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास कि भाई डिपेंडिंग ऑन द आर आपके पास यानी कि ग्रुप, ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि आर ग्रुप है या जिसे अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है, तो इसके बेसिस पर या तो आपके पास एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने आपके पास, यानी कि ग्लाइसिन एसिडिक इन नेचर होता है, बेसिक एलालाइन होता है, न्यूट्रल आपके पास सेरीन होता है, और यहाँ पर ये आर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास चेंजेबल होता है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर आपके पास अगर एसिडिक बनाना है, देन व्हाट आई विल डू दैट, अगर मान लीजिए मुझे इसको एसिडिक बनाना है, तो मतलब मुझे अगर एसिडिक बनाना है तो मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं यहाँ पे आपके पास आर की जगह पर हाइड्रोजन लगा दूं, और अगर मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आर की जगह पर मैं क्या करूंगा पता है आपको, CH आपके पास 2COOH लगा सकता हूँ। लो भैया बन गया एसिडिक, अगर इसको मैं यहाँ पे जोड़ दिया बन गया एसिडिक, बन गया एसिडिक, क्या बन गया? एसिडिक बन गया। तो ऐसा नहीं कि एसिडिक हम बना नहीं सकते, एसिडिक बना सकते हैं, समझ पा रहे? एसिडिक बना सकते हैं। अगर इसके अंदर ज्यादा दिक्कत होगी तो दिक्कत क्या है, इसकी जगह पर आप रिप्लेस कर दो ना, मैं कहता हूँ CH2 आपके पास यानी कि NH2 कर दो, लो भैया बन गया आपके पास यानी कि बेसिक इन नेचर, समझ पा रहे? और अगर आपके पास यानी कि न्यूट्रल बनाना है, OH कर दो, OH डाल दो आपके पास, यानी कि ताकि भाई इस OH से आपके पास ये OH को क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, एसिडिक नेचर ही खत्म हो जाएगा, बात खत्म, न्यूट्रल, समझ पा रहे? तो न्यूट्रल बनाने के क्या करना है आपके पास, यानी कि अल्कोहल को ऐड करते हुए चले जाओ, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? तो मतलब इस तरीके से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ आपके पास यानी कि CH2 आपके पास यानी कि CH2 और OH आपके पास यानी कि ऐड कर दो, कदम फिनिश, समझ पा रहे? तो मतलब इस तरीके से आप कुछ भी आर की जगह पर डाल सकते हैं, और इसी के बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा, क्या डिसाइड हो जाएगा, एसिडिक है, बेसिक है, ये आपके पास एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। तो कोई अमीनो एसिड को अगर एसिडिक बनाना हो तो क्या ऐड करना है, COOH, और अगर बेसिक बनाना हो तो अल्कोहल या कार्बन की चेन, और अगर मान लो आपके पास यानी कि न्यूट्रल सॉरी बेसिक बनाना हो तो आपके पास यानी कि NH2 ग्रुप, और आपके पास यानी कि अगर न्यूट्रल बनाना हो तो क्या ऐड करना है, हमें न्यूट्रल बनाना है तो सिंपल आपके पास यानी कि OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल वगैरह ऐड कर दीजिए। चले आगे, आगे चलते आगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे बच्चे, हालांकि आगे और मैंने आपके पास यानी कि लिखे हैं इसमें आपके पास यानी कि आगे और भी आपके पास यानी कि एग्जांपल में मैंने लिखे हैं ताकि वे दिक्कतें आप लोगों को ना हो। तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर आपके पास यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो बच्चे CUT वगैरह के लिए पढ़ रहे होंगे ना उनके लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर होगा आपके थ्रू, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आएगा 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन लेते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि चलो हो गया कर लिया, अरे भैया नहीं, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स आर ड्यू टू व्हाट, एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप, बोल देगा ऑल ऑफ दिस, चार ऑप्शंस यहां से बना सकता है वो, यहां से आपके पास बोलेगा कि भैया आपके पास यानी कि अमीनो एसिड मतलब फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड का वो किसकी वजह से होता है, अमीनो की वजह से होता है, कार्बोक्सिल की वजह से होता है और आर फंक्शनल की वजह से होता है, और चौथा ऑप्शन और डाल देगा वो ऑल ऑफ दिस, तब आप समझ पा रहे हैं, तो यहां से पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बेस्ड ऑन आपके पास यानी कि NH2 और आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH प्रेजेंट ऑन आर आपके पास, आर अगर ये आर के ऊपर प्रेजेंट है तो एमिनो एसिड्स में भी ये जो एमिनो एसिड्स है ना वो आपके पास एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स, ये आपके NCERT में मेंशन है चैप्टर 12 के अंदर। इधर आपके पास बेसिक में एलालाइन, ग्लाइसिन, वेलालाइन और फिलाइन, ये क्लास 12 के आपके पास यानी कि बुक्स जेनेटिक्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उसके अंदर आपके पास मेंशन है ये नहीं। और आपके पास लाइसिन, हिस्टिंस और आपके पास यानी कि अर्जिनिन, ये भी आपके पास NCERT के अंदर मेंशन है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सब कहीं ना कहीं आपके आपके पास यानी कि क्लास 11th
क्लास 11 प्लस के अंदर क्लास 12 जो आपका एनसीईआरटी है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपके पास ये मेंशन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वो पूछेगा और आपसे ही पूछेगा। नाम मेंशन है, हमें ये नहीं बताया कि एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन नाम मेंशन है तो हमें पता होना चाहिए कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और वेदर दे आर न्यूट्रल। वी मस्ट नो दिस, अदरवाइज व्हाट हैपन वो तो देगा, क्योंकि नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, आपसे बोलेगा पूछेगा। तो हमें कम से कम मेरे प्यारे बच्चे ये पता होना चाहिए। लाइसेंस वगैरह के बारे में आपके पास, अर्जिनिन्स वगैरह के बारे में, हिस्टिन्स वगैरह के बारे में आपके पास, ये आपके पास यानी कि, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग याद करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग आपके पास यानी कि ग्लाइसिन वेलालाइन और आपके पास फिनाइल एलालाइन आपके पास यानी कि ये बेसिक, और इधर आपके पास एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आपके पास यानी कि एसिडिक एमिनो एसिड, तो ये थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे कोशिश करेंगे कि भाई याद रहे, नहीं तो चीजें आपके पास यानी कि दिक्कत करेगी आप लोगों को पेपर में। क्योंकि हो सकता है कि भाई तीन एसिडिक दे दे, एक बेसिक दे दे और बेसिक आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तीन बेसिक दे दे, एक एसिडिक दे दे और एसिडिक पूछ ले। हो सकता है आपके पास एसिड बेसिक और न्यूट्रल दे दे और बोलते बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आपके पास न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ठीक है आपके पास यानी कि ये चीजें हैं। अब ये चीजें हैं तो आपके पास यानी कि एमिनो एसिड्स में भी एरोमेटिक इन नेचर, सही बात है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो किसी भी एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और आपके पास यहाँ पर कुछ जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और आपके पास यानी कि ट्रिप्टोफन, तो यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आप लोग नोट कर ले कि भाई ये एरोमेटिक आपके पास यानी कि हो सकते हैं, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिंग लाइक आपके पास यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपके पास यानी कि बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि एमिनो एसिड जो होता है इसकी खास प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये आयनाइजेबल होती है। तो एमिनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या होता है कि ये आयनाइजेबल होता है और ये यूनिक प्रॉपर्टीज है। क्या आपके पास यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो एमिनो एसिड जो होता है वो आयनाइजेबल होती है, तो ये एमिनो एसिड की क्या है अपने अपने एक खास प्रॉपर्टीज है, मतलब खास का मतलब एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, और इसी की वजह से आयनाइजेबल होता है। इस ड्यू टू मतलब ड्यू टू आपके पास, और इसकी वजह से, और किसकी वजह से आयनाइजेबल होता है आपके पास, ये आयनाइजेबल होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि NH2 और आपके पास यानी कि CH2 ग्रुप की वजह से। तो मतलब अगर ये NH आपके पास 2 एंड आपके पास COOH, इसकी वजह से क्या रहता है आपके पास यानी कि आयनाइजेबल होते हैं, और कोई R ग्रुप की वजह से नहीं। किसकी वजह से? अमीन और आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक आपके पास यानी कि एसिड। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, ड्यू टू दिस द स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड और इन दोनों के आयनाइज होने की वजह से स्ट्रक्चर्स जो होता है ना एमिनो एसिड का मेरे प्यारे बच्चे, वो चेंज हो सकता है, मतलब चेंजेबल, मतलब चेंज होगा। चेंज कब? जब आपको, जब किसी भी एमिनो एसिड को डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आपके पास यानी कि डिसॉल्व करेंगे, तो जब आप डिफरेंट एमिनो एसिड को, जब आप लोग डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, किसी भी एमिनो एसिड को लो और उसको डाल दो आपके पास यानी कि पहले ए सॉल्यूशन लो फिर बी लो, लेकिन दोनों का पीएच क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। डालो, स्ट्रक्चर चेंज करेगा। और इसमें एनसीईआरटी में एक ड्यूटेरियोनिक फॉर्म, मतलब आपके पास ये जहां पर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आपके पास यानी कि पॉजिटिव दिखाया जाता है, तो ये बेसिकली ड्यूटेरियोनिक फॉर्म होता है, इसे बोला जाता है ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। और यहाँ पर होता है क्या है कि ये आपके पास यानी कि इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, समझ पा रहे हैं आपके पास, और ये जो होता है आपके पास यानी कि इस फॉर्म में भी आपके पास यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज दोनों है कि ये आपके पास यानी कि इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास यानी कि इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब इसको आपके पास, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई ये आपके पास यानी कि पीएच जो था आपके पास वो लेस देन आपके पास यानी कि 6 था, और मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास यानी कि कंडीशन है, सॉरी, इसको हम लोग आपके पास लेस देन 6 नहीं, आपके पास यानी कि ग्रेटर देन 6 कर देते हैं, किस ग्रेटर देन आपके पास यानी कि 6 था तब ये कंडीशंस है। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो आपके पास पीएच है वो लेस देन आपके पास यानी कि 6 है, तो इस वाले कंडीशंस में, तो कहने का मतलब ये फॉर्म आपके पास यानी कि चेंज होते रहते हैं जब आप किसी भी अमीनो एसिड को डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन के अंदर आपके पास यानी कि डिसॉल्व करेंगे। और एक्चुअल में फॉर्म ये रहता है, ये वाला फॉर्म होता है, यही फॉर्म या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल फॉर्म आपके पास ये होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। याद रखिए एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, एनसीईआरटी के अंदर आपके पास यानी ये डायग्राम दिए हुए। आगे देखिए मेरे पहले बच्चे, देखो आगे क्या है,
जब हम लोग आपके पास यानी कि बात करते कि ठीक है कि मैंने आपसे शुरू में बोला बच्चे कि भाई जो हमारे पास यानी कि एम्यूनो एसिड्स होते हैं, देर आर आपके पास यानी कि 170 एम्यूनो एसिड्स नॉन टू अकर इन द सेल्स एंड आपके पास यानी कि टिश्यूज। तो हमारे पास अभी तक जो हम एम्यूनो एसिड्स को जानते हैं वो कितने, आपके पास 170 एम्यूनो एसिड्स पता है जो टिश्यूज और सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लेकिन हमें किसके कितने के बारे में पता है आपके पास, यानी कि 20 जो बेसिकली प्रोटीन को बनाते हैं। तो वी आपके पास यानी कि नॉट 20 एमिनो एसिड्स विच मेक द प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपके पास यानी कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आपके पास यानी कि प्रोटीनियस टिश्यूज हैं, उनको बनाने वाले आपके पास हाउ मेनी एमिनो एसिड्स वी हैव 20, समझ पा रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग आपके पास ये जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं इसी में हम लोग बोल देते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो हम लोग इसी के अंदर आपके पास इस 20 एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा आपके पास यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स है और कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। तो आपको यही पर समझना है विच वन इज एसेंशियल विच वन इज नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या बच्चे आपके पास, नॉन एसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी को बाहर से नहीं चाहिए, हमारी बॉडी खुद बना सकते, समझ पा रहे। तो जो आपके पास यानी कि प्रोटीन या एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना ले, जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना ले उसे क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल, मतलब बॉडी को जरूरत नहीं। लेकिन एसेंशियल कौन है, जो हमारी बॉडी इनकैपेबल टू प्रोड्यूस, इनकैपेबल टू सिंथेसाइज, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कभी नहीं बना सकता, वो प्लांट बनाते हैं और उनसे हम लोग क्या करते हैं आपके पास यानी कि इनटेक करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, नॉन एसेंशियल का मतलब आपके पास यानी कि अवर बॉडी कैन मेक, आपके पास यानी कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। तो हमारी बॉडी यहाँ पर क्या कर सकता है आपके पास, सिंथेसाइज कर सकता है आपके पास। दूसरा आपके पास नॉट रिक्वायर्ड इन द फूड, इसे कि फूड के अंदर कोई जरूरत नहीं। एग्जांपल आपके पास ग्लूटामिक, आपके पास ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, एलालाइन, ये आपके पास हमारी बॉडी आपके पास यानी कि खुद बना सकती है। लेकिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, एसेंशियल जो फूड में चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए, बिकॉज अवर बॉडी कैन नॉट और बॉडी कैन नॉट सर्व, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बना नहीं सकती। तो एसेंशियल इसीलिए जरूरी है, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अवर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर Which one? The amino acids. And for that, कौन manufacture कर सकता है? किसके पास ability है? Green plants. Plants has the ability. Bacteria has the ability. Protozoans has the ability to make such amino acids. समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? Bacteria के पास ability होता है, fungus के पास ability होता है ऐसे protein को बनाने के। लेकिन we the animal cannot make such amino acids. So this is what we required. और इसीलिए बोला जाता है ना कि भैया फंगस खाओ, क्या खाओ, फंगस मतलब मशरूम खाओ, है ना, प्रोटीन ज्यादा होगा इसके अंदर आएगा। तो प्रोटीन क्या होता है, समझ पा रहे, फंगस क्यों खा रहे होते हैं आपके पास, इसीलिए कंज्यूम कर रहे होते, बड़ा टेस्टी लगता है ना। तो व्हाई वी ईट द फंगस, बिकॉज फंगस कंटेन द प्रोटीन्स, मतलब मशरूम की बात करो, समझ पा रहे, इसीलिए खाते हैं हम लोग। तो वी डू नॉट हैव सच एबिलिटी टू प्रोड्यूस, बट सर्टेन प्लांट्स एनिमल्स और फंगस, सर्टेन प्लांट्स सर्टेन फंगस और सब आपके पास यानी कि बैक्टीरिया, दे कैन मैन्युफैक्चर अमीनो एसिड फॉर अस, समझ पा रहे। और इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कि लो भाई बैक्टीरिया का, लो भाई फंगस को। ऐसे बोल दो किसी को तू फंगस खाएगा तो बोले नहीं मैं नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि फंगस डिकम्पोज करता है, फूड को गलाता है, सराता है, गलाता है। लेकिन जो आपके पास यानी कि मशरूम वगैरह खाते हो वो भी तो अपने अपने काइंड ऑफ फंगस है, लेकिन वाई वी कंज्यूम, बिकॉज इट कंटेन अ लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड विच इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, समझ पा रहे। और इसके अंदर आपके पास यानी कि आइसोल्यूसिन, आपके पास यानी कि ल्यूसिन थ्योरीन और आपके पास बेलालाइन, दीज आर द सिंपल एमिनो एसिड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब प्लांट भी बना सकते हैं, फंगस भी बना सकते हैं, मतलब प्लांट फंगस वगैरह बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना बच्चे कि यहाँ पर आपके पास यानी कि फंगस बना सकता है, बैक्टीरिया भी बना सकता है, समझ पा रहे। सर्टेन प्रोटोजोन्स भी आपके पास यानी कि कैपेबल टू मेट दिस। आर एच बिटोकन ने ऐसी थोड़ी ना क्लासिफिकेशन किया, आरएचबी टॉकर ने बहुत सोच समझ कर क्लासिफिकेशन किया। तो डोंट वरी फॉर दैट, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, बाय गॉड 6 के 6 किंगडम को ना जबरदस्त तरीके से समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था क्या क्लासिफिकेशन में, आया मजा आ जाएगा क्लासिफिकेशन पढ़ने, दिल खुश हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, आगे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ये देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद करना कोशिश करना कि आप लोगों को एग्जांपल याद हो, क्योंकि भाई एग्जांपल अगर याद नहीं होगा तो चीज़ें दिक्कतें देगी, और मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग मिस करो कोई भी पॉइंट्स। आप लोग जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ द लिंकेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, सही बात है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपके पास किस तरीके से बनता है,
ये आपके पास इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे मेरे प्यारे बच्चे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के अंदर पढ़ा रहा हूं, आप लोग बॉन्ड याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन लिंकेज पढ़ाऊंगा, तो लगभग जब मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड आपको याद करना ही करना है कि कहां पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज दे विल आस्क, आई विल आस्क, दे विल आस्क, ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस विल बी सेट अप। एमिनो एसिड फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड, हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड, एमिनो एसिड बहुत टाइप के बॉन्ड्स बनाता है लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉमन है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा नहीं होता कि एमिनो एसिड सिर्फ एक ही प्रकार का बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। एमिनो एसिड बहुत टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड बनाता है, पॉसिबिलिटीज है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, और ये डिफर करता है आपके पास यानी कि मीडियम में, कंडीशंस पर, पीएच पर, टेम्परेचर पर, और वो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड, मोस्ट कॉमन है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ सी द पेप्टाइड बॉन्ड, एंड जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक जो ये कार्बोक्सिलिक आपके पास यानी कि ग्रुप है ना, मतलब एक एमिनो एसिड का, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा आपके पास यानी कि एमिन ग्रुप की दर्ज है, अमिन ग्रुप, और ये जो तुम्हारे पास यानी कि अमिन ग्रुप है ना आपके पास यानी कि एमिनो एसिड का, मतलब अमिन ग्रुप, अमिन ग्रुप आपके पास, तो ये जो हमारे पास यानी कि एमिनो, मतलब एक मेरे प्यारे बच्चे एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक आपके पास ग्रुप ले लेना है और दूसरे एमिनो एसिड का क्या ले लेना है, अमीन ग्रुप NH, और इन दोनों को रिएक्ट करवा देना है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो कार्बन और आपके पास यानी कि किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, समझ पा रहे? तो मतलब इस तरीके से लिंकेज होते हैं और वाटर निकल जाता है, तो वहां पे बोलते हैं हम लोग डाइपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड्स। तो मतलब कभी भी अगर हमें क्या बनाना होगा, अगर हमें बनाना होगा आपके पास यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड, तो मैं एक क्या लूंगा आपके पास एमिनो एसिड्स, दूसरा भी क्या लूंगा एमिनो एसिड्स, और दोनों को भिड़वा दूंगा, भैया कर लो दोनों, और लड़ने के बाद क्या हो गया, दोनों चिपक गया, बात खत्म, मजा आ गया है ना, और क्या बन गया आपके पास यानी कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड। समझ पा रहे? तो मतलब डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक एमिनो एसिड है और इसका आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये दूसरा एमिनो एसिड है R2 से लिखा हुआ है आपके पास, और इसका आपके पास यानी कि NH2 ग्रुप, तो इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो वाटर तो बाहर चला गया, पानी निकल गया, और वाटर निकलने के बाद आपके पास यानी कि इन दोनों के बीच में, मतलब एक्चुअल में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैंने एक्चुअल में, क्योंकि मुझे पता था गड़बड़ होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने एक्टिव नहीं है जितने हम समझ लेते हैं, गलती से गलत फहमी नहीं पालना चाहिए टीचरों को कि बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट है, आजकल के बच्चे डल और नालायक है, मैं तो साफ बोलता हूँ, दे आर नॉट दैट मच कॉन्शियस एंड दे आर नॉट दैट मच डिजायरेबल फॉर द एजुकेशन, दे डोंट हैव अ डिजायर टू लर्न द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द प्रॉपर वे, मैं तो बोलता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने एक्टिव क्या है, पता नहीं कहाँ कौन सी, आजकल पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खुल गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो दीज आर द यूनिवर्सिटीज वेयर आवर स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड, है ना, आजकल यही चल रहा है आपके पास, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि वो वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां से मत जाओ, ये देखो ये फ्यूचर बनाएगा आपका, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर ये नहीं पढ़ाया ना, तो पता नहीं डॉक्टर बनने के बाद पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो किसको, पता नहीं, इसीलिए पढ़ लो, है ना। आगे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई एक मेरे पास ये आपके पास यानी कि एमिनो एसिड्स, तो मेरे पास एक ये एमिनो एसिड्स है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि दिस वन इज अनदर आपके पास यानी कि एमिनो एसिड्स, और जब ये एमिनो एसिड्स आपके पास यानी कि रिएक्ट करता है इस एमिनो एसिड्स के साथ, तो इसका NH आपके पास यानी NH2 ग्रुप और इसका आपके पास यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप देख सकते हैं, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे OH और यहां से आपके पास यानी कि H, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनकर आपके पास यानी कि बाहर चला आता है, तो यहां से वाटर आपके पास रिमूवल, एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, द नेक्स्ट में आप लोग ये देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास किसका बॉन्ड हो गया, आपके पास कार्बन और आपके पास यानी कि नाइट्रोजन के बीच में आपके पास बॉन्ड बन जाता है, और दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, This linkage is called peptide bond. याद रखेंगे, ये peptide bond होता है, ये dipeptide bond होता है, दो amino acid के बारे में।
अगर मान लीजिए मैं इसी के अंदर आपके पास यानी कि दोबारा आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन लूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन लूँ, और आपके पास यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन लूँ, और ये आपके पास यानी कि कार्बन, और यहाँ पर आपके पास यानी कि H, और यहाँ पर आपके पास यानी कि R3, और इस तरीके से COH ले लूँ। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पर लिंकेज करवा दूँ मेरे प्यारे बच्चे, दोबारा आपके पास यहाँ पर जुड़वा दूँ, मतलब इसको इसके साथ जुड़वा दूँ, तो होगा क्या आपके पास? कुछ नहीं होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका आपके पास? यानी कि पॉलीपेप्टाइड का। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो मतलब nth पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है अगर nth टाइम एमिनो एसिड अगर जुड़ता हुआ चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, समझ पा रहे हैं? और एक चीज और भी ध्यान रखना, यहाँ मैं वाटर निकाल रहा हूँ ना प्रोटीन बनाते टाइम पर, एमिनो एसिड को लिंक करने पर ध्यान रखना, वाटर निकाल रहा हूँ ना, ये वाटर आपके पास यानी कि रिलीज हो रहा है, रिलीजेस। लेकिन यही चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना होता है ना, या कोई बैक्टीरिया करता है, तो उसको वाटर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आपके पास वो किस में टूटता है आपके पास, यानी कि एमिनो एसिड से। तो मतलब देख लो आपके पास, जो आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन करते रहते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग, व्हाट बी गिव्स, व्हाट इट गिव्स आउट, दैट विल बी कंज्यूम लेटर ऑन। तो यहां वाटर निकल रहा है, यही वाटर जब आप प्रोटीन को तोड़ेंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन, समझ पा रहे हैं? तो जो आप दे रहे हैं वो आप इंटेक करेंगे, लेंगे वापस, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी यही है, पूरा यूनिवर्स इसी के ऊपर चल रहा है, यही हमें समझना है। विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, ये याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट में द फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स की, भाई सही बात है कि एमिनो एसिड जो होता है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या करता है, व्हाट इट डज, क्या करता है बताइए मुझे। एमिनो एसिड्स आप बोलेंगे ठीक है बेसिक यूनिट प्रोटीन की, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे कि ये बेसिक यूनिट तो है, इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन है। जैसे मैंने आपके पास यानी कि बोला कि भाई आपके पास मेक द आपके पास यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, सही बात है, आपके पास स्पेसिफिक एमिनो एसिड जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू आपके पास यानी कि बायोलॉजिकली आपके पास यानी कि एक्टिव आपके पास यानी कि कंपाउंड्स सच एज ग्लाइसिन जो होता है वो हीम को बनाते हैं, जो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। इसी तरीके से ट्रिप्टोफन जो होता है आपके पास यानी कि विटामिन, निकोटीन आपके पास, एमाइड, और प्लांट हार्मोन आपके पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड्स को फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत सारे जो एक्टिव कंपाउंड्स है वो किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं ग्लूकोज को बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, किसी भी अमीनो एसिड के अंदर से NH2 को अगर निकाल दूं ना, अमीन ग्रुप को निकाल दूं, तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। R ग्रुप और NH2 ग्रुप को निकाल दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। तो मतलब ग्लूकोज भी प्रोटीन से बनाया जाता है। तो इसीलिए जब कोई आदमी खाना नहीं खाता ना, तो उसकी बॉडी का जो मसल्स होता है वो आपके पास यानी कि डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बेसिकली वही मसल्स, बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, ऑफकोर्स अस, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सेल्स को। तो जब कोई आदमी स्ट्राइक्स पर जाता है, देखते हो ज्यादातर आपके पास कौन लोग स्ट्राइक पर जाते हैं, जो लोग आपके पास हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, जिनको लगता है कि ठीक है भैया। तो जब कोई आदमी खाना नहीं खाता तो धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाता है। आप मत खाओ, डाइट रखो, मैं बता रहा हूं। देखो अगर आपको यंग रहना है ना और फिट रहना है, और अगर आप मोटे हो बहुत ज्यादा, चर्बी चरी हुई बहुत ज्यादा, फैट्स वगैरह खाकर, मोमोज वगैरह खाकर, तो कुछ मत करो, एक हफ्ते फास्ट रख लो भाई, और मजा आ जाएगा देखना, सारा फैट्स खत्म, धीरे धीरे प्रोटीन की लेयर भी डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। और खूब ज्यादा बोलो, जब फास्ट रखो ना तो खूब ज्यादा बोलो भाई, और मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, पतला हो जाओगे आप। मुझसे कितनी बार बहुत बच्चों ने पूछा सर आप इतने पतले क्यों हैं, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भैया देखो मैं पूरे दिन लगभग पढ़ाता रहता हूँ, रात के 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक मेरी क्लास चलती रहती है, तो पूरे दिन पतला रहता, मतलब पूरे दिन बोलता रहता, तो मेरी सारी की सारी आपके पास एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है, जितना खाना नहीं खाता उससे ज्यादा बोलता हूँ। तो एक्चुअल में इसी की वजह से इसका जो एक इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है कि मैं क्या हूँ आपके पास, यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब स्लिम है पतले, समझ पा रहे हैं? तो मतलब अगर आपको अपनी बॉडी फिट करना है तो आप क्या करें, प्रोटीन को कन्वर्ट होने दें ग्लूकोज में, और धीरे धीरे आपके पास जो आपकी बॉडी होगी वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से बेसिकली मैनेज किया जाता है। और ये मैं नहीं बता रहा, आप लोग किसी भी जिम वगैरह में जाएंगे ना तो वो भी आपको यही करने को बोलेगा, और ये भी आपको मतलब एडवाइस यही देगा, ठीक है? क्योंकि बायोलॉजिकली है मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई आपके पास में हवा में बातें नहीं कर रहा, दिस इज व्हाट एक्चुअली टेक प्लेस, ठीक है? और ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, दैट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस, ठीक है? जब मैं जिम जाता था तो मेरी बॉडी आपके पास, मैंने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था, कितना आपके पास यानी कि 65 के उसमें,
और जब आपके पास यानी कि जिम छोड़ा धीरे धीरे आपके पास पढ़ाने के लाइन में आया तो सारा का सारा बॉडी मसल्स सब के सब आपके पास यानी कि डैमेज फिनिश्ड नो मोर मसल्स नो मोर बॉडी बॉडी समझ पा रहे तो दिस इज व्हाट अकर्स एक्चुअली सो दिस इज व्हाट तो यहाँ पे याद रख सकते हैं बच्चों और इसके अलावा आपके तो कहने का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है अमीनो एसिड्स को आपके पास यानी कि रिमूव कर देना है और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये बायोलॉजिकली आपके पास एक्टिव आपके पास यानी कि कंपाउंड्स यानी कि जो ये हिस्टामिन होता है आपके पास तो इसके अंदर से इसको निकाल दो आपके पास तो कुछ आपके पास यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव आपके पास यानी कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता तो मतलब ये सारी चीजें लगभग चलता रहता है आपके पास तो ये कुछ आपके पास यानी कि मेजर फंक्शन है आगे देखिए आगे मेरे प्यारे बच्चे द प्रोटीन्स आपके पास द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स क्यों बोला क्यों क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ आपके पास एमिनो एसिड सही बात है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड मतलब हाइड्रोपॉलीमर होगा सही बात है ये भी आपके पास कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल आपके पास यानी कि वर्ल्ड और रूबिस्को आपके पास यानी कि मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट किंगडम और इंटायर बायोस्फीयर सबसे ज्यादा अगर इस पूरे बायोस्फीयर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को ऑल प्लांट्स वेदर इट इज अ C3 प्लांट C4 प्लांट All the plants, समझ पा रहे सबको क्या चाहिए होता है रूबिश को क्यों चाहिए होता है CO2 को पकड़ेगा वो किसको पकड़ेगा CO2 को पकड़ेगा नहीं तो CO2 भाग नहीं जाएगा क्या तो CO2 को पकड़ने के लिए कौन चाहिए रूबिश को और रूबिश को किसमें पाया जाता है सारे के सारे प्लांट के अंदर पाया जाता है चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 हो या C2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल बैक्टीरिया हो सबके पास होगा सबके पास होगा कौन सा एंजाइम रूबिस्को आएगा तो आप लोग ये याद रखिए है ना और दिस कोलाजन कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल भैया आगे पढ़ाऊंगा कोलाजन का फंक्शन कैराटीन वगैरह ये सब एल्बुमिनस वगैरह तो जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना लगभग सभी के फंक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट ओके विल सी द नेक्स्ट ओके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप लोग कोशिश करेंगे कि ये ट्राई करेंगे तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है एन आपके पास एसिडिक एम्यूनो एसिड हैज आपके पास यानी कि अल्काइल ग्रुप आर कंटेनिंग आपके पास एन एक्स्ट्रा अगर कोई भी एम्यूनो एसिड अगर एसिडिक है तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर आपके पास एसिडिक किसकी वजह से एसिडिक होता है कौन सा चीज एक्स्ट्रा होता है जिसकी वजह से एसिडिक होता है अगर आपने मेरी बात अगर शुरू में सही से सुना होगा तो शायद आपको पता चल गया होगा कि किसकी वजह से एसिडिक होते हैं आंसर मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आंसर आप लोगों को मुझे पता है कि पता होगा ठीक है क्योंकि शुरू में मैंने किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया था समझ पा रहे पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन आपके पास यानी कि NH2 ग्रुप ऑफ कंबाइंड विद डैश किसके साथ कंबाइन करता है ये भी शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि मेरा एम्फेसिस इस पर भी ज्यादा था तीसरा मेरे प्यारे बच्चे तो ये क्वेश्चन आप लोग कुछ करेंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट में भी आपके पास क्वेश्चन है द एमिनो एसिड इज एसेंशियल बिकॉज इट इज एमिनो एसिड एसेंशियल है क्यों एसेंशियल आपके पास किसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप ट्राई करते हैं विच इज आपके पास प्रोटीन इन नेचर कौन सा आपके पास सेलुलोज पॉलीथीन आपके पास टायरेलिन और आपके पास सिल्क एंड वूल कौन आपके पास प्रोटीनियस इन नेचर होता है तो ये चार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे लगभग आपको पता होगा नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम करवाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वॉशनरी और आपके पास यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स और खत्म हो जाएगा ठीक है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपके पास तो लगभग क्वेश्चन देखेंगे मैंने बोला था आप लोगों से कि भाई 100 क्वेश्चंस के आसपास करवाएंगे ना तो करवाएंगे और उसके बाद एग्जाम्स लगेंगे ठीक है तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास है ना कंटिन्यू टू बी स्टडी फॉर योर सब्जेक्ट फॉर योर कैरियर फॉर योर फ्यूचर हमेशा पढ़ते रहिए लगन के साथ पढ़िए मेहनत के साथ पढ़िए बाय गॉड मजा आ जाना चाहिए है ना चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विल सी यू बाय बाय